अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में आ जाए और अपनी कृपा इस दीपावली पर आप पर बरसाए तो कमेंट्स में जरूर लिखे जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, खास दीपावली पर ये सबसे गहरा राज आपकी किस्मत बदल सकता है। जिस भी व्यक्ति को दीपावली की रात में इन पांच में से किसी भी एक चीज के दर्शन हो जाते हैं तो वो व्यक्ति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी सदैव उसके हर कार्य को पूरा करती है। ऐसे में दीपावली की रात इन पांच चीजों का दिखना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, दीपावली का त्योहार माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का त्योहार है। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए लोग अपने घर की साफ सफाई करते हैं, आपने भी कर ही ली होगी, और घर को खूब सारा सजाते हैं। दीपावली की रात पूजन करके माँ लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। दीपावली को लेकर कुछ विशेष प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है कि खास दीपावली की रात में अगर किसी व्यक्ति को इन चीजों के दर्शन हो जाते हैं, बताई जाने वाली चीजों में से किसी भी एक चीज के अगर दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, पैसों की तंगी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये संकेत धन की देवी माता लक्ष्मी की आपके घर में आने का संकेत है। तो चलिए जानते हैं इन पांच चीजों के बारे में जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केसरिया गाय की। हिंदू धर्म में केसरिया रंग और गाय दोनों का ही बहुत महत्व है। गाय को हिंदू धर्म में माँ के समान माना जाता है और उनकी पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केसरिया रंग की गाय खास दीपावली पर जिस भी व्यक्ति को दिखाई दे जाए तो ये सुख समृद्धि का संकेत है। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है बिल्ली। वैसे तो हिंदू धर्म में बिल्ली का दिखना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अगर खास दीपावली की रात में जिस व्यक्ति के घर पर बिल्ली आ जाए और उसे दिखाई दे जाए तो उसे ये समझना चाहिए कि माता लक्ष्मी के आगमन आपके घर में हो चुका है और इसे माता लक्ष्मी के आगमन के संकेत के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, अगला संकेत है दीपावली की रात छछुंदर का दिखना। दीपावली की रात अगर आपके घर में या कहीं भी छछुंदर आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत बस अब चमकने ही वाली है। छछुंदर अगर घर में आता है तो अपने साथ ढेर सारा पैसा भी लाता है। इसे देखने पर भगाइए नहीं बल्कि उसे रास्ता दे, ये माता लक्ष्मी के आने का संकेत है। दोस्तों, अगला संकेत है उल्लू। वैसे तो उल्लू दिखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन खास दीपावली पर उल्लू का दिखना आपको धन संपत्ति का मालिक बना सकता है, क्योंकि उल्लू धन की देवी माता लक्ष्मी का वाहन है। और ऐसे समय में खास दीपावली पर जिस भी व्यक्ति को उल्लू के दर्शन हो जाते हैं तो वो ये समझ ले कि माता लक्ष्मी स्वयं उसे दर्शन दे रही है। ऐसे में उल्लू दिखना माँ लक्ष्मी की कृपा से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि खास दीपावली पर हर किसी के भाग्य में उल्लू का दिखना नहीं होता। दोस्तों, अगला संकेत जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है दीपावली की रात छिपकली का दिखना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दिवाली की साफ सफाई करते समय आपको छिपकली दिखती ही होगी, लेकिन दीपावली की रात को छिपकली का दिखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसे में आपको दीपावली की रात छिपकली दिख जाती है तो आप समझ जाइए कि आप बहुत ही लकी है। दीपावली की रात छिपकली का दिखना शुभ संकेत है और ये काफी शुभ परिणाम देने वाला माना जाता है। दीपावली पर छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के प्रसन्न होने का सूचक माना जाता है। आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपसे बहुत ही ज्यादा खुश है और वो आपको आशीर्वाद दे रही है और सदैव के लिए वो आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बहुत से लोग दीपावली की रात छिपकली देखते हैं और वो सोचते हैं कि बस यहाँ पर ही काम पूरा हो गया, अब बस धन की वर्षा होगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको दीपावली की रात छिपकली दिखाई दे तो आपको ये छोटा सा काम करना होगा, ज्यादा कुछ खास नहीं। आपको क्या करना है कि दिवाली की रात छिपकली दिखते ही हाथ जोड़कर छिपकली से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करनी है और साथ ही छिपकली की पूजा करनी है। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार आपको पूरे विधि विधान से पूजा करनी है, रोली मोली चावल सब चीजों से आपको छिपकली की पूजा करनी है, लेकिन अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप क्या कीजिए, अक्षत जो कि पूर्णता का प्रतीक माने जाते हैं, चावल जिसे अक्षत भी कहा जाता है,
आप छिपकली पर दूर से ही चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर छिपकली से अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी आपसे बहुत ही प्रसन्न होंगी। खाली चावल आपको चढ़ाने हैं और हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है। तो दोस्तों, ये काम आप छिपकली दिखते ही जरूर करें, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और साल भर आपके घर में धन संपत्ति की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, हम सब प्राय हिंदू शगुन और अपशगुन दोनों को मानते हैं। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो है कि घर से निकलते समय अगर बिल्ली, लोमड़ी, गाय या नेवला आपका रास्ता काट ले तो इसका क्या मतलब है। ज्योतिष में तो इसके बहुत सारे मतलब बताए गए हैं। तो दोस्तों, क्या ये भविष्य में घटित होने वाली घटना के पूर्व हमें संकेत देते हैं कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए, या ये धन मिलने के संकेत हैं? इस बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की ज्ञान भरी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शगुन शास्त्र के अनुसार अगर घर से निकलने के बाद रास्ते में आपको नेवला दिख जाए या नेवला आपका रास्ता काट ले तो जिस कार्य के लिए आप जा रही हैं वो कार्य बिना विघ्न के पूरा होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। नेवला कुबेर जी स्वयं अपने पास में रखते हैं। दोस्तों, नेवला जो होता है इसे धन का सूचक कहा जाता है। तो ये अगर आपका रास्ता काटता है, आपको रास्ता काटता हुए दिखाई दे जाए तो अचानक से आपको धन मिलता है और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। नेवले को धन का प्रतीक माना गया है। दूसरे नंबर पर आती है लोमड़ी। लोमड़ी अगर रास्ता काटते हुए आपको दिख जाए तो अनहोनी जरूर होती है। जब आप गलत कार्य के लिए अगर जा रही है और लोमड़ी अगर रास्ता काटे तो बिल्कुल ही आपको सतर्क हो जाना चाहिए, उस कार्य को करने के लिए नहीं जाना चाहिए, वरना वो कार्य आपको बहुत भारी पड़ सकता है और आपको बहुत ही पछताना पड़ सकता है। तीसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, शगुन शास्त्र में लिखा है कि अगर गाय रास्ता काट ले और आप किसी काम के लिए जा रही हैं तो घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से आती है। घर में लक्ष्मी माँ का प्रवेश अवश्य होगा। कारोबार में तरक्की होती है, धन वृद्धि होती है। अष्ट लक्ष्मी घर में निवास करती है। चौथे नंबर पर आते हैं, रास्ते में जाते समय अगर गिरे हुए सिक्के या नोट मिल जाए तो इसे खर्च नहीं करना चाहिए, इसे आपको अपने धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। आपको इसे अपनी दुकान के गले में या घर में आप तिजोरी में इसे रख सकते हैं। आप चाहे तो इसे अपने पर्स में भी रख सकते हैं, इससे घर में धन की बरकत होती है। ऐसे पैसों को जो कि आपको कहीं पर गिरे हुए अगर मिले हैं तो ऐसे पैसों को खर्च नहीं करना चाहिए, इसे लक्ष्मी की कृपा समझकर सदैव अपने पास रखें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। पांचवे नंबर पर आते हैं सांप। सांप अगर रास्ता काट ले तो पैतृक धन प्राप्त होता है। पितरों से दबा हुआ जो आपका धन है वो आपको मिलेगा। ये पैतृक धन में बहुत सारी चीजें भी हो सकती है जो आपको निकट भविष्य में जल्द ही प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो में बताई गई छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को जरूर पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव। जय महाकाल।